एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस कंसेप्ट या जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रूल ऑफ लॉ। अपने इस लेक्चर सीरीज़ में अब तक हमने 4 क्लासेस अटेंड किया है। अपने पहले क्लास में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझा। फिर हमने सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात किया। हमने रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात किया और अपने पिछले लेक्चर में हमने रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझा विथ प्रॉपर नोट्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में विथ प्रॉपर नोट्स समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म रूल ऑफ लॉ। देखो, ये जो रूल ऑफ लॉ टर्म है ये एक वाइबल और एक डायनामिक एक्सप्रेशन है और इसलिए अदर कंसेप्ट की तरह ही हम रूल ऑफ लॉ को कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते। फिर भी अगर हम रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो इट मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ एंड एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस और पोजीशन। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है कानून का शासन। What is rule of law? तो हम ये कह सकते हैं it simply means जो rule of law का concept है वो simply ये बताता है कि no one is above the law। कोई भी law से ऊपर नहीं है, कोई भी irrespective of their status position वो लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, एंड एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द लॉ। एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द लॉ। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन या स्टेटस। ठीक, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें रूल ऑफ लॉ क्यों चाहिए, Why there is need of rule of law? इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इट इज अबव ऑल। ठीक है, ओके। रूल ऑफ लॉ बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट के या किसी भी देश में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो 3 लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव legislature. All these limbs of administration क्या है? They are bound by constitution. ये क्या है? They are bound by the constitution. They are bound by the provisions of constitution. और ये जो है within the constitutional limit रह करके ही काम करेंगे. Right? Okay. तो rule of law is required to achieve the economic and social progress and development in a democratic society, as well as ये क्या करता है? लोगों के fundamental rights को protect करता है और लोगों को personal freedom grant करता है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो rule of law is required to achieve economic and social progress and development, and also to protect individuals' right and personal freedom. ठीक है, तो ये है rule of law. Why there is need of rule of law? So rule of law is required to achieve economic and social progress and development, and also to protect individuals' right and personal freedom. आगे लिख सकते हो in a democratic society. ठीक है, तो यानी in simple rule of law का मतलब है everybody, irrespective of their position, status, they are bound by the law. Their actions are governed by the law. Law is supreme, constitution is supreme. ठीक है, okay, चलो. तो आई होप कि जो बेसिक है रूल ऑफ लॉ का वो आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, देखो, अगर हम रूल ऑफ लॉ को देखें तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज. ये फ्रेंच फ्रेज से डिराइव है, लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट, जिसका मतलब है अ गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. ठीक है, ओके, तो रूल ऑफ लॉ आगे आप लिख सकते हो डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन principles of law, based on principles of law, या आप कह सकते हो a form of government which is abide by principles of law. ठीक है, चलो. एडवर्ड कोक ओरिजिनेटर माने जाते हैं रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट के, और इन्होंने कहा कि द किंग मस्ट बी अंडर गॉड एंड द लॉ, यानी जो किंग है, राइट, क्योंकि पहले के समय में हमारे पास किंग रूल हुआ करता था. तो एडवर्ड कोक ओरिजिनेटर हुए हैं रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट के, और इन्होंने कहा कि जो किंग है उसे एक्ट करना है दो लोगों के तहत, एक गॉड और दूसरा लॉ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि किंग मस्ट बी अंडर गॉड एंड लॉ। हम जानते हैं कि पुराने समय में क्या था, किंग रूल हुआ करता था और ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ किंग हुआ करता था। नो वन इज अबव द किंग। जो भी रूल्स, जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते थे किंग के द्वारा, वो सभी के ऊपर इक्वली क्या थे, बाइंडिंग थे। किसी के पास राइट नहीं था कि वो किंग के अगेंस्ट जाए। राइट, तो एडवर्ड कोक कौन है, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ, और इन्होंने कहा कि किंग मस्ट एक्ट अंडर गॉड एंड द लॉ। तो यहाँ पे जो सुप्रीमेसी दी गई है किंग के बियॉन्ड, वो गॉड को दी गई है और लॉ को दी गई है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि एडवर्ड कोक इज द ओरिजिनेटर कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, he said that king must act under एक गॉड और दूसरा लॉ। ठीक है, जब एडवर्ड कोक ने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को दिया तो इन्होंने स्पेसिफिकली 3 पॉइंट्स पे फोकस की। इन्होंने रूल ऑफ लॉ के तहत 3 पॉइंट्स पे फोकस किया और इनका ये मानना था कि रूल ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर दीज थिंग्स। इन चीज़ों के लिए रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्ड है। क्या क्या चीज़ें हैं, आइए। सबसे पहला है, रूल ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट देयर इज नो ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ द क्राउन। रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्ड है, या हमें रूल ऑफ लॉ का रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ द क्राउन ना हो, यानी क्राउन ही सब कुछ नहीं है। राइट, सभी अथॉरिटीज़ क्राउन के अंडर नहीं है। ठीक है, तो टू प्रोहिबिट, to restrict the authoritarian rule of the crown, there is requirement of rule of law. दूसरा, इन्होंने कहा कि rule of law is required to ensure that there is no arbitrary authority of the government. Rule of law का requirement इसलिए है ताकि हम ये ensure कर सकें कि authoritarian rule of the crown ना है, और साथ ही साथ आर्बिट्रेरी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ मनचाहे ढंग से नहीं कर सकता है। जैसे मन करे वैसे गवर्नमेंट रूल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तीसरा, इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट एंड फंडामेंटल। तो रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्ड है टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल और उनके पर्सनल फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के तहत एडवर्ड कोक ने 3 मेजर पॉइंट्स बताया। कौन कौन सा, आइए उसे समझते हैं। has to say three major points. In relation to रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ के रिलेशन में एडवर्ड होप ने तीन बातों पे फोकस किया। पहला, टू एंश्योर दैट देयर इज नो ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ द क्राउन, या देयर इज नो मोनोपोली रूल ऑफ द क्राउन, देयर इज नो ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ क्राउन। दूसरा, टू एंश्योर दैट देयर इज नो आर्बिट्रेरी authority of the government। तो यानी इन्होंने बेसिकली ये कहा कि रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्ड है ताकि हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज के एक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकें, ताकि वो एक्ट करें विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है। तीसरा, इन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ individuals right and personal freedom। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन एडवर्ड कोक theory of rule of law, basically एडवर्ड कोक के द्वारा दिए गए जो rule of law की theory थी, उसके पीछे का object क्या था, what is the object behind the concept rule of law। पहला कहता है to restrict government from authoritarian rule, government को हम restrict करें उसके अथॉरिटेरियन रूल से, गवर्नमेंट को हम एक्सक्लूड करें या रेस्ट्रिक्ट करें कि वो अपने पावर्स को आर्बिट्रेरी वे में यूज़ ना करें, एक्सरसाइज ना करें। तीसरा, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स का इक्वल एप्लीकेशन हो सके, ताकि जो चीज़ें हैं वो लीगली राइट वे में हो सके। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इंश्योर करने के लिए कि लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द लॉ, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शंस पे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। आइए शॉर्ट में इसे लिख लेते हैं। So, what are the object of this concept? Pehla, to restrict government from authoritarian rule, dusra to restrict arbitrary authority of government, तीसरा equal application of law and order, equal application of to do things in legally right way, to do things in legally right way, or protection of individuals' right and personal liberty, protection of individuals' पर्सनल लिबर्टी, और क्या है, लॉ इज सुप्रीम, एंड लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कैन बी क्वेश्चन बाय द लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कैन बी क्वेश्चन बाय द लॉ, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखो, हमने पहले ही ये जान लिया है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो डायनेमिक इन नेचर है, वो वायबल है। वायबल VIABEL, यानी इट इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये क्या है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और क्योंकि ये डायनेमिक इन नेचर है इसलिए हम कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं रूल ऑफ लॉ को, ठीक है। जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट द कंसेप्ट रूल बाय मैन। तो रूल ऑफ वन मैन के कॉन्ट्राडिक्शन में काम करता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। यानी किंग्स रूल को अपोज करता है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ओके। रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि किंग हो या कोई भी पर्सन हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन और रैंक्स, दे ऑल हैव टू एक्ट अंडर द लॉ। उन्हें लॉ के तहत एक्ट करना है, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप एग्जाम में पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है वो लॉ रूल्स जो कि बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ का मतलब है वो लॉ रूल्स जो कि बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, पहला फ्रीडम, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, चौथा फ्रैटर्निटी, अकाउंटेबिलिटी, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, एंड इट इज सर्टेन। ये क्या है, सर्टेन है। इट इज रेगुलर, ये रेगुलर है, एंड इट इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रैटर्निटी, अकाउंटेबिलिटी, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, एंड इट इज सर्टेन, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है, ओके। देखो, जो रूल ऑफ लॉ है उसे हम दो सेंसेस में समझ सकते हैं, एक फॉर्मलिस्टिक सेंस और दूसरा आइडियोलॉजिकल सेंस, ठीक है। चलिए, आइए समझते हैं। तो रूल ऑफ लॉ कैन बी यूज्ड इन टू सेंसेस, इसे हम दो सेंसेस में समझ सकते हैं, एक फॉर्मलिस्टिक सेंस और दूसरा आइडियोलॉजिकल सेंस। रूल ऑफ लॉ कैन बी यूज्ड इन, इसे हम दो formalistic sense, और दूसरा आइडियोलॉजिकल सेंस। देखो फॉर्मलिस्टिक सेंस का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड powers as opposed to the rule by one man। formalistic sense का मतलब है organized powers जो कि rule by one man के against में है। ठीक है, तो formalistic sense का मतलब है कि rule of law means the organized powers as opposed to the concept of rule by one man। जबकि ideological sense का मतलब है regulation of relationship between citizen and the government। citizen और government के बीच जो relationship है उसका जो regulation है वो rule of law है। ठीक है, ओके, तो ये था rule of law एज पर एडवर्ड कोक। ठीक है, ओके, अब अपने कल के वीडियोस में हम बेसिकली बात करेंगे डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। डाइसी ने किस तरह से रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया है उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इसे शेयर करिए ताकि हमारा रीच बढ़े, चैनल का ग्रोथ हो। और एक यही चीज़ है जो आप हमें एज अ रिटर्न गिफ्ट दे सकते हो। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।